गोमती नगर विस्तार में अरबों रुपए की जमीन का खेल। 1,00,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर भूमाफिया करा रहा है कब्जा। जमीन का ये खेल भूमाफिया खुलेआम खेल रहा है। एक बार फिर से नाम हाल ही में एलडीए के कागजातों में छेड़छाड़ करने वाले भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला का आ रहा है। बाफिला पर जन कल्याण महासमिति का आरोप है कि उसने सरकारी जमीन अपनों में बांटना शुरू कर दी है, मगर एलडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आरोप है कि जमीन का खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। एलडीए की करीब 1,00,000 वर्ग फीट जमीन यहां पर है। बाफिला पर आरोप है कि वह जमीन अपने लोगों के बीच बांटकर इस खेल को आगे बढ़ा रहा है। पिछले दिनों लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब बाफिला के खिलाफ कार्रवाई की थी, मुकदमा दर्ज कराया था, तो जनता में उम्मीद जगी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जेल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मामला सिर्फ मुकदमा तक ही रह गया और आरोप था कि सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ था। लखनऊ महासमिति ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से शिकायत की थी कि गोमती नगर विस्तार में लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन, एलडीए की जमीन को बाफिला अपने लोगों को कब्जा करा रहे हैं। उस पर न तो FIR किया गया, न ही कोई कार्रवाई। इतना ही नहीं, अवैध निर्माण अभी भी निरंतर जारी है। अब देखना ये होगा कि एलडीए कार्रवाई क्या करती है। गोमती नगर विस्तार में अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। एक बार फिर से भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला का नाम सामने आ रहा है। इलाके में रहने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं, एलडीए से शिकायत कर रहे हैं, मगर बाफिला जस का तस है, उस पर कोई असर नहीं है और एलडीए से कोई कार्रवाई नहीं है। नागरिक श्री मिश्रा, नागरिक ठिकाना न्यूज, लखनऊ।